नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में मॉनसून को लेकर आई एक बड़ी खबर। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए अगले 72 घंटे बताए बेहद अहम। राज्य के 5 जिलों में दी गई भारी बारिश की चेतावनी। सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के अनुमान के चलते मौसम विभाग की ओर से रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में जारी किया गया अलर्ट। विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में आज होगी मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जताया अनुमान। दिल्ली के करोल बाग में अचानक पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मोटरसाइकिल के मैकेनिकों से मिले राहुल गांधी ने फेसबुक पर मैकेनिकों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, उन हाथों से सीखना जो घुमाते हैं रिंच और भारत के पहियों को रखते हैं गतिमान। इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान ट्रक में यात्रा करते आए थे नजर। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से कई मामलों पर की बात और उनकी समस्याओं को सुनकर दिया था निराकरण का आश्वासन। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को होंगे चुनाव। जिन राज्यों में होने हैं चुनाव उनमें गोवा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य शामिल। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव के लिए 6 जुलाई को जारी होगा नोटिफिकेशन। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई, वहीं नाम वापसी की तारीख 17 जुलाई। सभी 10 सीटों पर वोटिंग 24 जुलाई को होगी और इसी दिन होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, जल्द ही आने वाली है 7 लाख से अधिक नौकरियां। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा पीएम और सीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में 7,50,000 युवाओं को दी जाएगी जॉब। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज के तौर पर मांगे 2,460 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी कर्ज की मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया बड़ा दावा, कहा इस राशि से गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले तकरीबन 40 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा हिंसा प्रभावित इलाकों में बने हुए राहत कैंपों में जीवन जी रहे लोगों को दी जाएगी 1,000 रुपए की एक मुश्त राशि ताकि वे अपने लिए खरीद सके कपड़े और निजी सामान। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात। मेघालय के एडवोकेट जनरल के घर पर दो हथियार बंद बदमाशों ने किया हमला। एक घरेलू सहायक के हाथ पैर बांधकर और रस्सी से गला घोटकर आरोपियों ने की उसकी बेरहमी से हत्या, जबकि दूसरे सहायक को चाकू से गोदकर किया घायल। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में हुई हत्या की वारदात के बाद शव को बेड के अंदर रखकर फरार हुए आरोपी। उधर पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार की देर रात वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को उसके साथी समेत किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बदला और लूट के चलते दिया गया था वारदात को अंजाम। 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड को 1 साल हुए पूरे। 1 साल बाद भी उदयपुर की गली में उस हत्याकांड की याद है आज भी ताजा। डरे और सहमे हुए व्यापारियों ने कहा, हंसता हुआ चेहरा बाजार से चला गया। उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को नवरंगपुर जिले के अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुमार राउत को जारी किया अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश। 5 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में प्रशांत कुमार को किया गया है गिरफ्तार। प्रशांत कुमार राउत के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 500 गुना अधिक संपत्ति की गई बरामद। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यस बैंक DHFL घोटाले से संबंधित एक मामले में पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को जमानत देने से किया इनकार, कहा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का शिकार हुआ है भारत देश। साल 2019 में मेयर पद के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने का मामला। महाराष्ट्र के भिवंडी निजामपुर सिटी नगर निगम के 18 पूर्व कांग्रेस पार्षद अगले 6 सालों के लिए नहीं लड़ सकते कोई चुनाव। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी को ठहराया अयोग्य, कहा पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप का किया उल्लंघन। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने विवादास्पद फिल्म आदि पुरुष को लेकर व्यक्त की चिंता, कहा जिस तरह से महाकाव्य रामायण के प्रमुख पात्रों को चित्रित किया गया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अदालत ने कहा हिंदू सहिष्णु हैं लेकिन हर बार उनकी ही क्यों ली जाती है परीक्षा। फिल्म आदि पुरुष विवाद के बीच 1980 के दशक के प्रतिष्ठित टीवी सीरियल रामायण एक बार फिर शेमारू टीवी चैनल पर किया जाएगा प्रसारित। शेमारू टीवी चैनल ने इंस्टाग्राम पर साझा की जानकारी, इसका 3 जुलाई से शाम 7:30 बजे किया जाएगा प्रसारण। साल 1980 के दशक का लोकप्रिय धारावाहिक था रामानंद सागर निर्देशित रामायण। बकरी ईद के मौके पर बुधवार को घोषित छुट्टी सरकार ने की रद्द, अब 29 जुलाई को निर्धारित की गई बकरी ईद की छुट्टी। सभी सरकारी विभागों को दी गई इसकी जानकारी, मुंबई यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया पर पड़ा इसका असर।
मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार बुधवार 28 जून को महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है सार्वजनिक अवकाश। बकरीद का त्यौहार 29 जून को होने के कारण 28 जून को दी गई छुट्टी की गई रद्द, इसलिए मुंबई विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल हुआ रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक अवकाश लिस्ट के अनुसार ईद उल अजहा के लिए महाराष्ट्र में बैंक अवकाश 28 जून 2023 से 29 जून 2023 तक स्थगित। महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत 29 जून 2023 को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। RBI ने कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को किया रद्द। अब ये बैंक सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह करेगा काम। भारतीय रिजर्व बैंक ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक के लिए 23 मार्च 1994 को दिया था लाइसेंस। हर महीने की तरह जुलाई 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की बैंक हॉलीडे लिस्ट। जुलाई महीने में करीब आधे दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, कुल 15 दिनों के लिए बैंक रहेंगे बंद। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपने फैंस के साथ साझा की अपने दिल की खुशी। एक्टर के मुताबिक उनकी बेटी इशिता शुक्ला बनने वाली है डिफेंस का हिस्सा। इशिता अग्निपथ स्कीम के जरिए ज्वाइन करेगी डिफेंस। एक्टर के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बधाइयों का सिलसिला। पाकिस्तान की सेना भारत में घुसपैठ, ड्रग्स और हथियार सप्लाई के लिए चल रही है नई चाल। यूके में रहने वाले गरीब लोगों को घुसपैठ करने पर पाकिस्तान ने दिया बड़ा लालच, लेकिन उसके नाकाम होने पर अब पाकिस्तानी सेना करवा रही है उन लोगों की हत्या। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नागरिकों ने शुरू कर दिया है प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यहाँ वर्दी ही है दहशतगर्दी। बॉर्डर और भारत में घुसपैठ नाकाम होने से हताश है पाकिस्तानी सेना। ईद उल अजहा यानी बकरीद से पहले पाकिस्तान के लोगों के सामने कैश का बड़ा संकट। देश की व्यापारिक राजधानी कराची में खाली पड़े हैं बैंक के ATM। लोग कैश निकालने के लिए ATM दर ATM भटकने को मजबूर। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।